तो वहीं छोटी काशी कही जाने वाली मंडी में भी शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। बाबा भूतनाथ मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें सभी देवी देवता शामिल होंगे। आज से मंडी में अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव भी शुरू हो गया है। ये उत्सव 7 दिनों तक मंडी में धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर मंडी के आराध्य देव कमरुनाग अपने देवलुओं के साथ शहर पहुंच चुके हैं। देव कमरुनाग टारना माता मंदिर में विराजमान हैं और यहीं वो भक्तों को दर्शन देंगे। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। भोलेनाथ के मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा मंडी, जहां से हमारे संवाददाता वीरेंद्र और धर्मशाला से हमारे संवाददाता मृत्युंजय पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले धर्मशाला की अगर यहां पर बात करें तो क्या कुछ नजारा, क्या कुछ भक्तिमय माहौल इस वक्त आप देख और महसूस कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे ईटीवी के सभी दर्शकों को आज के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं गंग भैरव मंदिर में, जिसका ग्रंथों में और महा शिव पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। ये काफी पुरातन मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु अपने प्रभु को खुश करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भगवान की पूजा यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी मौजूद है। सर, किस तरह देखते हैं यहाँ पर, किस तरह की आज बोलिए? शंकर भगवान की जय। ये गंग भैरव प्राचीन आश्रम सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है और गंगेश्वर महादेव जी से प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर गंगा का चरण है। आज भी यहाँ पर आकर के प्राणियों के अस्तु विसर्जन किए जाते हैं और गंगेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद लिया जाता है। और गंगेश्वर महादेव जी बहुत प्राचीन से यहाँ पर विराजमान है। जिस समय जलंधर से युद्ध हुआ है और महात्मा लोक भैरहुंगीर बाबा जी ने इसका उत्थान किया, आज भी उनकी जिंदा समाधि यहाँ पर मौजूद है और संत समाज ही इसकी देख रेख पूजा पाठ इत्यादि करता आया है। और आज भी महंत बाबा टहलगिर की या इसकी डेवलपमेंट, इसकी पूजा पाठ इत्यादि पूजा पाठ किया करते हैं। और इससे भी प्राचीन सहयुग से जिस वक्त वीर जलंधर से युद्ध हुआ है, वो शिवलिंग थोड़ी दूर ऊपर पहाड़ी के ऊपर उपस्थित है। तो सभी भक्तों से अमित, आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। शिवलिंग पर जो है फूल मालाएं चढ़ाकर साथ ही यहाँ पर अर्घ यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर बात की जाए इस मंदिर की, तो ये मंदिर की काफी मान्यताएं यहाँ पर मानी जाती है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मान्यताएं यहाँ पर पूरी होती है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ रहे हैं मंडी से, उनसे जान लेते हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे भोलेनाथ की महिमा अपार, भोलेनाथ के भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रहा है। मंडी की अगर बात करें, कहां इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह का नजारा इस वक्त मंदिरों में आप देख पा रहे हैं? जी अमित, अगर मंडी की बात करें तो इस वक्त मैं मंडी के प्राचीन और ऐतिहासिक बाबा भूतनाथ मंदिर में मौजूद हूं। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए कि किस प्रकार से लोग सुबह तकरीबन 2:30 बजे से मंदिर परिसर में यहां पर जुटे हुए हैं और भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो है वो मंदिर के बाहर भी लगी हुई है। लोग भक्त सुबह से ही मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी अभी यहाँ पर मंदिर में जो मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद है रामस्वरूप शर्मा जी, वो भी पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। रामस्वरूप जी, आप भी आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं, क्या मांग रहे हैं? देखिए, छोटी काशी मंडी की परंपरा रही कि बाबा भूतनाथ की पूजा अर्चना के बाद ही शिवरात्रि का पर्व का शुभारंभ यहाँ से किया जाता है और मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं इस पूजा अर्चना में लगातार सम्मिलित होता रहता हूँ
और आज इस शिवरात्रि के दिन बाबा भूतनाथ की अपार कृपा मंडी वासी बनी रहे और ये छोटी काशी मंडी अपने पूरे गौरव सम्मान के साथ आगे बढ़े, ऐसी बाबा भूतनाथ से प्रार्थना। तो ये मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा जी थे, जिनका कहना है कि बताया उन्होंने, और ये बात भी है कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है उसका जो है यहीं से आगाज होता है, बाबा भूतनाथ मंदिर से ही आगाज होता है। और पिछले कल देव कमरनाग सहित अन्य देवी देवता जो है वो मंडी पहुंच चुके हैं और कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहाँ पर पहुंचकर आधिकारिक तौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज करेंगे। जी अमित। वीरेंद्र, आपने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेले का, क्या कुछ आयोजन यहाँ पर रहता है, किस तरह से श्रद्धालु भक्त यहाँ पर इस मेले को मनाने के लिए पहुंचते हैं? जी अमित, अगर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की बात करूं तो आप अंदाजा लगाइए कि 215 देवी देवताओं को जिला प्रशासन की तरफ से निमंत्रण दिया गया है और 215 देवी देवता जो है इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए आते हैं। कुछ दर्जन भर देवी देवता पिछले कल पहुंच चुके हैं, कुछ आज आएंगे और कुछ कल आएंगे। कल आधिकारिक तौर पर एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो मंडी में निकाली जाती है, जो राजमाधव राय मंदिर से शुरू होती है और मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में संपन्न होती है। 215 देवी देवता पूरे एक सप्ताह तक मंडी में ही रुकते हैं, पटल मैदान में जो है वो देवी देवता रुकते हैं और भक्तों को एक ही स्थान पर इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये देवी देवताओं का एक महाकुंभ है जो मंडी, छोटी काशी मंडी में हर वर्ष आयोजित किया जाता है और कल से इस महाकुंभ का जो है वो आधिकारिक तौर पर आगाज होने जा रहा है। जी अमित। बिल्कुल वीरेंद्र, आप इस वक्त छोटी काशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और प्राचीन भूतनाथ मंदिर के, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को, आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वहां के कुछ नजारे हमारे दर्शकों तक पहुंचाए जाए। जी बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा भूतनाथ मंदिर का जो ये विहंगम दृश्य है वो दिखाए कि किस प्रकार से भव्य रूप से बाबा भूतनाथ मंदिर को सजाया गया है और भक्त सुबह से ही यहाँ पर जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। तकरीबन 2:30 बजे से जो है वो भक्तों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और देर शाम तक जो है अमित ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा और ये जो भक्तों की तादाद है ये इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी और उसके बाद एक बार रुख हम धर्मशाला का कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजयपुरी धर्मशाला से भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, आपसे भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ नजारा वहां का है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह कतारें लगी हुई हैं शिवजी भगवान की पिंडी को यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। गंग भैरव गंगेश्वर धाम इसको कहा जाता है, इस मंदिर का नाम गंगेश्वर धाम है। महापुराण वो शिव पुराण में भी इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जिस तरह पुजारी जी ने बताया था। आपको बता दें कि यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया गया है, यहाँ पर एक छोटा मेला यहाँ पर लगाया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी मान्यता की मानी जाती है, यहाँ पर काफी लोग भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ती है, श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोग जो है काफी प्रसन्न हैं, लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, शिव भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों से भी जानते हैं किस तरह आज के दिन को आप मानते हैं, किस तरह आज के दिन को आप मनाएंगे? हमारा जो ये शिवालय गंगेश्वर महादेव जी मंदिर है, यहाँ पर हर वर्ष जो है मेला लगता है और बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है, बड़ी दूर दूर से लोग जो यहाँ पे आते हैं। आप आज के दिन को किस तरह मानेंगे? आप यहाँ पर पुजारी भी हैं, किस तरह देखते हैं और किस तरह मानेंगे? जी, शिव भगवान की महिमा है। आज शिव भगवान ने बिल्कुल भगवती के साथ विवाह का आयोजन किया था, उनका बहुत ही धूमधाम से इस चीज को मनाया जाता है। आज पूरी रात शिव भगवान का पूजन होगा, उनका बिल्कुल निश्चित तौर पर आज हर मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। मृत्युंजय, वीरेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी खूबसूरत तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई में महादेव की महिमा हर तरफ फैली हुई है और हर मंदिर में आज शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। रुकेंगे यहां एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे महादेव की बारात। प्रचंड पंच सायके फुल नील पंकज प्रपंच काली मच्छट विडंबि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम गजचिदांत कच्छितम तमंत कच्छितम।